अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा बलि देने के लिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता। मैं और ये नाटक कैसा है? मुझे बुला के ये कहाँ चले गए? बाबा संजय, तुमने बहाना तो बहुत अच्छा बना दिया। तुम्हारे बॉस की समझ में ही नहीं आया कि मना कैसे करूं? अरे क्या करता, तुमने वो कहावत सुनी है ना? हा? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। टेढ़ी उंगली तो ठीक है, मगर तुमने तो अपने रिश्तेदार को ही मार दिया। हाँ यार, अरे प्यार में सब कुछ जायज है ना। तुम तो बहानों की फैक्ट्री हो बस। लेकिन आज अगर तुम मुझे कोई बहाना बना देते और यहाँ नहीं आते ना, तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। हाँ, और ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। अरे बोटिंग, संजय उस बोट वाले से पूछो ना, हमें भी बोटिंग करनी है, चलो ना। चलो, तुम भी यही बहाने ढूंढती हो घूमने के। सिर तो मोटर बोट की टिकट देना मैडम। चलो भाई साहब अंदर बैठो, पहन लो। अब मजा आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा है। ये क्या दिख रहा है चमकता हुआ? सोने का नेकलेस। किसी का गिर गया होगा शायद। शायद किसी औरत के गले से गिरा होगा। हाँ। बेचारी को बोटिंग के चक्कर में पता नहीं चला होगा। इस बोट वाले को पूछो ना। हाँ सही है। अरे भाई साहब, क्या हुआ साहब? यहाँ पर कोई औरत आई थी क्या नेकलेस ढूंढते हुए? नहीं तो क्यों? तुम्हारी बोट में ये सोने का नेकलेस पड़ा हुआ था कोने में। हाँ शायद अब तक उसको पता नहीं चला होगा। ठीक है, अगर कोई आए ना तो बता देना, हमारे पास है, हम पुलिस को दे देते हैं। ठीक है साहब। खून के निशान? बोट में खून के निशान कहां से आ गए? अरे आप ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे बोट में खून के निशान है और तुम्हें नहीं मालूम? बोट में जरूर कुछ हुआ है। मेरी नाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप तो एकदम बवाल मचाने पे तुले हुए हो। बवाल नहीं, ये हकीकत है। एक तो तुम्हारी बोट में ये गिरा हुआ था और ऊपर से खून के धब्बे और ये निशान। यहाँ जरूर किसी औरत का खून हुआ होगा। हाँ। ऐसे तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। धंधा चौपट हो या कुछ हो, मैं अभी CID को फोन करता हूँ। हाँ। अरे लेकिन आप उन्हें कोल्हापुर में क्यों बुला रहे हो? तो जगन,
तुम्हें पता नहीं कि वह हार और खून तुम्हारे बोट में कहां से आया? साहब, मैंने तो खून तभी देखा जब इन लोगों ने मुझे बताया। ऐसा हुआ होगा किसी ने ऊपर से फेंक दिया होगा, है ना? ऊपर से कौन फेंकेगा साहब? तो एक लड़की का हार और खून कहीं मिलेगा तो क्या मतलब होगा उसका? इसका मतलब है लड़की के साथ कुछ तो हुआ है, समझे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, नाव चला के रोजी रोटी कमाता हूँ, मैं ऐसा गलत काम क्यों करूँगा साहब? अभिजीत, अभिजीत तुम और काजल आसपास देखो, जरा पूछताछ करो, पता लगाओ किसी ने कुछ देखा है क्या, कुछ सुना है क्या। हाँ सारूं के, कुछ पता चला? नहीं बस, नाव में खून के अलावा तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कह सके कि खून इसी नाव में हो। कोई हाथापाई का निशान वगैरह है क्या? नहीं, कोई निशान नहीं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, पीछे हटिए। सर, हाँ, आसपास किसी ने देखा नहीं खून होते हुए? अच्छा, किसी लड़की को देखा इन लोगों ने जो अपना हार ढूंढते आई हो यहाँ पर? नहीं सर, किसी को नहीं मालूम। सर, सही सुमित है, इसकी भी नाव यहीं पर खड़ी रहती है, पर सर ये कह रहा है कि सुबह जब ये यहाँ आया था तो इसकी नाव यहाँ किनारे पर नहीं थी। क्या? नाव नहीं थी तो कहाँ गई? वो है ना सर, जेल में। आयशा को मैं साहब उसको देखता भी नहीं हूँ, उसमें ना पक्षी लोग ने बहुत गान किया है सर। क्या है सर, वो पैडल का है, मैं उसको देखता भी नहीं और कस्टमर बैठता भी नहीं है उसमें सर। क्या है कि ना सर, मैं उसको अभी वो नया नाव लेने वाला है डीजल का। सावकाश, सावकाश तो आना ले पाजे होती ना, लेके क्यों नहीं आया नाव? सर मैं उसका सोच रहा था सर, लेकिन वो हंगामा हुआ ना सर खून का, मैं सर डर के मारे एक साइड हो गया सर। ठीक से बांध के रखी थी नाव तुमने? हाँ सर, पांच के महीने अच्छी तरह से चेक भी किया था सर। मेरे को लगता है सर किसी ने जानबूझ को मेरी नाव को खोला होगा सर। हाँ देखते हैं, देखते हैं। कान सर, इस नाव के जाके देखे क्या कुछ गड़बड़ है तो? चलो संभल के अभिजीत, सड़के को संभालो जरा, अपने आप को जवान समझता है वो। तो सड़के कुछ पता चल रहा है? तुम ही पूछ लो ना यार लाख। यार दो मिनट तो दो, पता तो करने दो। चिड़ता क्यों है? खरोंच तो हम भी देख रहे हैं, कुछ बता ना सड़के, कुछ नया बता जल्दी है। बस ऊपर ऊपर से तो खरोंच के निशान ही दिखाई दे रहे हैं, अब बाकी बातें तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगी ना। मगर मगर अब ये मगर के पीछे क्या छुपा लिया डॉक्टर साहब? अभिजीत मुझे लग रहा है कि इस लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक से? इतनी जवान लड़की की मौत हार्ट अटैक से? जगन देखो इस लड़की को, क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इसे। ये पैडल बिल्कुल खराब है सर, ये नाव चल ही नहीं सकती है। क्या मकसद हो सकता है पूरी का? ताकि बोट यहां से हिल ना सके, वहां दूर खड़े लोगों को पता ही नहीं चलेगा इस बोट के अंदर लाश। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, इस लड़की की मौत इस बोट में हुई है या फिर जगन के इस बोट में? सर खून और जेवर तो उस नाव में मिले, ऐसा लगता है कि हाथापाई उस नाव में हुई है और जब इस लड़की की मौत हो गई तो इस नाव में डाल के भाग गए। ये क्या क्या है? ये निशान देखा? ऐसा निशान तो पट्टा बांधने पर ही होता है।
घुंघरू का पट्टा। घुंघरू का पट्टा? हाँ घुंघरू का पट्टा। अभी जिस पट्टे का निशान देखकर लगता है कि ये लड़की कोई प्रोफेशनल डांसर है, किसी थिएटर कंपनी में काम करती होगी। सर कहीं ये लावणी डांसर तो नहीं? यहाँ पे काफी मशहूर है लावणी नृत्यांगना। अभी जिस एक काम करते हैं, थिएटर में जाते जहाँ पर तमाशा के खेल होते हैं, वहीं पता चल जाएगा इस लड़की के बारे में। कौन है आप? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये इस लड़की को पहचानते हैं आप? छाया। अबे ये तो छाया, अबे तुझे बोल रहा है ना? छाया? हाँ छाया, कहाँ पर है? ये तो मेरे साथ रहती है। हाँ लेकिन अब कहाँ है? सर ये बिना बताए चली गई, वो आई ही नहीं वापस। देखिए अब ये कभी वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि इसका खून हो गया है और इसकी लाश मिली है हमें झील में। लेकिन वो वहां गई कैसे? वही तो हम पता लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप में से कोई जानता है छाया का किसी के साथ प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली वो वैसी लड़की नहीं थी। तो फिर इतनी रात को झील में क्या कर रहे हैं? किसी से कुछ बताया उसने? नहीं। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने इसे? कल रात को रिहर्सल पे आई थी वो। 8 बजे के करीब जब हम लोग जाने लगे तो मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया उसने? पता नहीं सर, वो कह रही थी कि कहीं उसे जाना है। तुमने पूछना तो चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है। तुमने पूछा नहीं? पूछा तो था लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस क्या हुआ सर, उनके क्या पता चला? रिपोर्ट तो वही बता रही है जैसा हम सोच रहे, ये मौत हार्ट अटैक से हुई। यार सारंगे, क्या वो लड़की वहां झील में बीचों बीच जाकर के क्या हार्ट अटैक से मरने के लिए गई थी? यार ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, चक्कर कुछ और ही है बॉस। ना तो पेट में कोई जहर मिला है और ना ही गले पे उंगलियों के निशान है, तो और क्या वजह हो सकती है? यही तो हमें ढूंढना है सारंगे, यही तो हमें ढूंढना है। देखो हम छाया का कमरा चेक करना चाहते हैं। सर वो रहा छाया का कमरा। अच्छा उधर है। अभिजीत सर जरा चेक कर लो कमरा। तो भी चल। एक बात बताओ ईशा, कौन कौन लोग मिलने आते थे छाया को? कोई नहीं आता था सर, लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं था। मतलब वो अकेली रहना चाहती थी? हाँ सर, दिन भर किताबें और म्यूजिक में ही डूबी रहती थी। यार दोस्तों से तो हमेशा दूर ही भागती थी वो। और उसके परिवार वाले, वो कहाँ? उसने कभी परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं बताया, कहती थी इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। बड़ी अजीब स्वभाव की लड़की थी। ये देखिए सर, कि छाया तो कुछ अलग ही किस्म की किताबें पढ़ती थी। निराशा से मुक्ति कैसे पा, जीवन मरते हुए कमाल है। अजब पुस्तकालय कोल्हापुर, एक जवान लड़की ऐसी किताबें क्यों पढ़ती थी? बस ऐसी किताबें तो अक्सर ऐसे लोग पढ़ते हैं जिन्हें कुछ डिप्रेशन होता है। कहीं इस लड़की को कोई ऐसी मानसिक बीमारी तो नहीं थी? हो सकता है। हेलो एसीबी प्रद्युमन, कहां पर, क्या पता क्या है? ओके हम पहुंचते हैं। थैंक यू। अभिजीत नाटकीय थिएटर में एक लाश मिली है, जल्दी पहुंचना है। ईशा जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे।
यहाँ पे मैनेजर कौन है? सर मैं हूँ मैनेजर। जहाँ आप मैनेजर हैं? जी बताइए क्या हुआ है। वो देखिए सर, कौन है ये आदमी? पता नहीं सर। इसे मारा किसने? कुछ मालूम है तुम्हें? देखा किसी को तुमने? नहीं सर, ये भी नहीं पता। नाटक की रिहर्सल चल रही थी यहाँ पे, बीच में ब्रेक हुआ तो ये टॉर्चमैन आया यहाँ पे, इसने देखा इसे। कमाल, रिहर्सल के बीच एक आदमी का खून हो जाता है पर किसी को कुछ नहीं पता है? एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो किसी ने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिहर्सल से पहले ही कोई इस आदमी को मार के यहाँ छोड़ के चला गया? नहीं सर, रिहर्सल से पहले मैंने पूरा थिएटर चेक किया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यार। तो फिर इसे मारा किसने? ये लाश यहाँ पर आई कैसे? पता नहीं सर। बॉस। हाँ सर। उनके बॉस, इस आदमी को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लाश अभी गर्म। अभी भी गर्म है? तो फिर इसकी मौत हुई कब? लगभग एक घंटा। लगभग एक घंटा पहले? बड़ी अजीब बात है, इतने सारे लोगों के बीच में एक आदमी का खून होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कहीं से जहर वहर तो नहीं दिया? या फिर उसके गले पे कोई निशान है क्या? गले घोटने का? गला घोटने का तो कोई निशान नहीं, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। अभी जरा एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे अखबारों में और टीवी चैनल्स पर भेज दो, पता तो चले कि आदमी है कौन। इतने सारे लोगों के होते हुए किसी के हाथ पर बांधकर उसका खून करना नामुमकिन है। और तो और सर, एक भी आदमी सामने नहीं आया जो ये बता सके कि वहां पे हुआ क्या था। सर लगता है खूनी कोई थिएटर का ही आदमी जिसे थिएटर के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने कुछ नशे की चीज सुंघा दी होगी बेहोश करने के लिए से, और शायद उसी नशीली चीज की वजह से इसकी मौत हो गई। नहीं दया, इस आदमी की मौत किसी नशीली चीज की वजह से नहीं हुई है, इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? आर यू श्योर डॉक्टर? अभिजीत, मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे ऑटोप्सी से पता चला, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसकी मौत हुई है हार्ट अटैक से, और वो मिला आप सीट पे बंधा हुआ। सड़ूंखे, भले इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस आदमी का खून हुआ है, खून। और सर जो कुछ भी हुआ है नाटक की रिहर्सल के शुरू होने से और इंटरवल के बीच में हुआ है, बालकनी में। सर हमें ये पता करना चाहिए कि बालकनी में कौन हमेशा आता जाता रहता था। अब अजीब बात यह है कि इस आदमी के घर वालों ने ना कोई फोन किया है ना पूछताछ की है, ये कहां गायब हुआ? सर उस आदमी की फोटो अखबार में तो छपवा दी है, कोई ना कोई तो आएगा जो उसे पहचानेगा। करे यार अपने सेहत का, जरा सी देर में तेरी सांस फूल जाती है। अरे वही तो कर रहा हूँ यार, धीरे धीरे हो जाएगा। अबे तू क्या कर रहा है? क्या बीवी को बोल के आता है वॉक पे जा रहा हूँ, यहाँ आकर पेपर उड़ के सो गया। अरे यार मेरी बीवी थोड़ी आने वाली है, मैं क्या करता हूँ देखने के लिए। अरे वो कल कह रहे वो भी आने वाले सुबह सुबह रंकल पे। अरे क्या कर रहा है? तेरी वही नहीं यहाँ आने वाली है? हाँ।
आखिर पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे मुझे भी बता, क्या नहीं हो सकता? ये फोटो देख, ये एकदम अपने रघु के जैसे दिख रहा है ना, देख। अरे हाँ, ये तो अपना रघु ही है। मगर ये मर कैसे गया? मुझे क्या मालूम यार, मैंने तो अबे भी फोटो देखी पेपर में। शंकर कौन है? हाँ सर, मैं ही हूँ। मैंने आपको फोन किया था। शंकर ये देखना, इसे पहचानते हो? हाँ सर, इसका नाम रघु ही है। यार लाइट मन का काम कर रहा था सर। सर बहुत मिलनसार आदमी था। सर इसका खून किसने किया सर? जल्दी पता चल जाएगा। एक बात बताओ, ये रहता कहाँ था? सर यही रहता था, आइए दिखाता हूँ। मगर लाश कहाँ मिली सर? उसकी लाश मिली हमें नाटक के थिएटर में। शायद वो नाटक देखने गया होगा। नाटक? हाँ नाटक। पर सर रघु को नाटक देखने का शौक ही नहीं था सर। वो ऐसा कौन सा नाटक देखने गया था सर? डरावनी हवेली। डरावनी हवेली? हाँ डरावनी हवेली। वो सर तो आत्माओं का नाटक है। हाँ। और रघु को सर तो आत्माओं का नाम लिया तो उसकी हवा निकल जाती थी सर। हाँ सर, ये क्या चक्कर है यार? जो आदमी आत्माओं के नाम से डरता था वो वैसा ही नाटक क्यों देखने गया? और तो और वहाँ पे उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, तभी वो नाटक देखते वक्त भाग ना जाए। यह किसने ऐसा? ये तो जरूर कोई रघु के आसपास अच्छी तरह से जानने वाला होगा। शंकर एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है उसका खून? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, पर सर इतना बता सकता हूँ वो आदमी अच्छा था। सर यही रूम है ये? हाँ। रघु को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये क्या है? निराशा से मुक्ति कैसे पाएं? अभिजीत, ये तो बिल्कुल वैसी किताब जैसी हमें छाया के घर में से मिली थी। शायद रघु को कोई चिंता होगी, तभी तो ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत है पड़ी। लेकिन यार रघु तो बहुत ही मिलनसार आदमी था, जैसा इस शंकर ने बताया। और मिलनसार आदमी तो बहुत ही हंसमुख होता है, उसे किस बात की चिंता हो सकती है? यार सड़की रघु को हार्ट अटैक आया था, तो हो सकता है उसे कुछ न कुछ तो चिंता होगी। सर ये छाया की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी, और वो भी ऐसी किताबें पढ़ती थी। कहीं रघु का और छाया का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? ये देखो अभिजीत, कनेक्शन मिल गया। ये रबर स्टैंप देखा? अजब पुस्तकालय। तो दोनों के दोनों अजब पुस्तकालय से किताबें लाते थे। जब पुस्तकालय चलते हैं, वहीं से इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। निराशा से मुक्ति कैसे पाए? हाँ जी। वो ये किताब है आपके पास? नहीं, ये स्टॉक में खत्म हो गई है। ओ, और जीवन मृत्यु है? वो भी नहीं है। नहीं है, मगर आप रखती तो है ना ये किताबें? रखती है सर, माल आया नहीं अभी तक, 4-5 दिन में आ जाएगा। लेकिन बुरा मत मानो तो एक बात मैं पूछ सकती हूँ सर? पूछे पूछे। आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी किताबें पढ़ते होंगे? वैसे इन दोनों को भी जरूरत नहीं थी वैसी किताबों की, लेकिन ले तो गए ना। ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर है, क्या इन्होंने भेजा है? जी नहीं, दरअसल अब ये लोग इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब? खून हुआ इन दोनों का। क्या खून? जी हाँ खून। किसने किया है? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको कुछ पता है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? मुझे नहीं लगता। ना एक दूसरे को जानते थे ना एक दूसरे से मिले थे, फिर भी दोनों का खून एक जैसा ही हुआ है। मुझे लगता है खूनी चाहे कोई भी हो, वो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रहा है जो इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है। एक बात बताओ, इन दोनों के अलावा क्या और भी कोई लोग हैं जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं या लेके जाते हैं? हाँ सर, ऐसे कुछ लोग हैं। आपके पास नाम है उनके? है सर, मैं देखती हूँ। इसके पहले कि उन लोगों को कुछ हो जाए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ। सर, ऐसे 5 लोग हैं। क्या नाम है? संजय, हिमांशु, दिव्या, जीतू और समर। अभिजीत, काम करो। संजय, हिमांशु, दिव्या, जीतू और समर, इन 5 के टेलीफोन नंबर्स ले लो और बुला लो। हाँ सचिन, आगे तीनों को अंदर लेके आ जाओ। हाँ जल्दी लेके आओ। ओके सर। हाँ। जो 5 लोगों की लिस्ट इन्होंने दी थी उनमें से 3 का पता चल गया है, सचिन लेके अंदर आ रहा है। लेकिन 2 लोग, समर और जीतू, इनका फोन नहीं लग रहा है सर, फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? हाँ सर। सर, 2 महीने से वो दोनों मेरे दुकान पे नहीं आ रहे थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो दोनों ने आना क्यों बंद कर दिया? अच्छा, अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि समर और जीतू के साथ वही हुआ है जो छाया और रघु के साथ हुआ? दया और फ्रेडी उनके घर गए हैं, देखें क्या पता चलता है। आई। सर, सर ये संजय, हिमांशु और दिव्या, ये लोग भी उसी तरह की किताबें पढ़ते थे जिस तरह की किताबें छाया और रघु पढ़ते थे। आप लोग जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? जी नहीं सर। आप पहचान? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता, बल्कि फोटो में देख रहा हूं पहली बार। अच्छा, आप? नहीं सर, मगर बात क्या है सर? इन दोनों का खून हो गया है। खून? जी हाँ, खून। लेकिन इन दोनों के खून से हमारा क्या संबंध? संबंध है, क्योंकि खूनी उन लोगों को मार रहा है जो अजब पुस्तकालय से वैसी किताबें खरीदते थे जैसी किताबें आप लोग पढ़ते हो, और हमें डर है कि खूनी आप लोगों को भी कहीं नुकसान न पहुंचाए। क्या? लेकिन वो खूनी हमें क्यों मारना चाहेगा? देखिए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खूनी ने उन दोनों का खून क्यों किया, और क्या वो खूनी और भी खून कर सकता है क्या? वैसे आप लोगों को किसी पर शक है? जी नहीं सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। हाँ, किसी भी अनजान आदमी के साथ बातें मत करना या उसके साथ जाना नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप भी जा सकती है मैम। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बुरी खबर है। ये समर और जीतू की मौत 2 महीने पहले हुई है सर। मतलब ये लोग भी वैसे ही मारे गए जैसे छाया और रघु? ये रही सर, दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरा ये लो भाई, बात हुई ना, मौत की वजह हार्ट अटैक ही है, ये रिपोर्ट भी यही कहती है। सालों के खूनी के पास ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से खून करने के बाद भी मौत की वजह हार्ट अटैक ही आती है? क्या क्या हो सकती है सर? 4 लोग, छाया कॉलेज स्टूडेंट, रघु लाइट मैन, जीतू इंजीनियर, और ये समर शेयर ब्रोकर, इन 4 की मौत एक ही जैसे हुई है, हार्ट अटैक से। इनकी मौत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। गड़बड़ तो जरूर है अभिजीत, गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि ये 4 एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना आसपास एक दूसरे के रहते भी थे, लेकिन किताबें एक जैसी ही पढ़ते थे। मुझे लगता है कि 4 के 4 किसी डर की वजह से मारे गए। क्या क्या मतलब है आपका? देखो, सरकार ने हमें बताया कि राजू को आत्माओं से डर लगता था, और उसके बाद कहूँ वही जहाँ वो आत्माओं का नाटक चल रहा। वो तो 4 को बीमारी थी, मानसिक बीमारी, डर की बीमारी है ना? क्या सर, चलो। काजल, छाया के रूम पार्टनर को फोन लगाओ और उससे पूछो
छाया को किस चीज का डर था? यस सर। हेलो ईशा, मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ सीआईडी से। मुझे जानना था कि छाया को किसी तरीके का कोई डर वगैरह था क्या? हाँ, किस तरह का डर था? क्या तुम्हें पक्का याद है? सो, छाया को पानी का डर था। अभिजीत, छाया को पानी से डर था, उसकी लाश मिली पानी में। और रघु को डर था आत्माओं से, और उसकी लाश कहाँ पर मिली? नाटक के थिएटर में, जहाँ पर आत्माओं पे नाटक चल रहा था। इसका मतलब है कोई तो है जो इन लोगों की डर के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और शायद इसीलिए उसने इन लोगों को ऐसी जगह पे बुला लिया जहाँ पे वो चीज थी जिससे इन लोगों को डर था। सर, ऐसा लगता है कि खूनी कोई एक ही है जो इन चारों को अच्छी तरीके से जानता है और एक एक करके मार रहा है। लेकिन कौन कौन हो सकता है? वो कौन सकता है? सर, आपने एक बात नोटिस की लावणी थिएटर में? क्या वहाँ पीछे की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ था? हाँ? जिसमें इस डर से संबंधित कुछ छपा हुआ था। चलो देखते हैं इस पोस्टर को। सर, वहीं पे कोई सुराग मिलेगा। सही है, ये है वो पोस्टर। क्या आपको डर है? कॉन्टैक्ट 1024-5768। नाम नहीं दिया है। है कौन ये जो डर से छुटकारा दिला रहा है, या फिर जीवन से छुटकारा दिला रहा है? अभिजीत, जरा लगाओ इस नंबर पे फोन। 5768। सर, घंटी बज रही लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। क्या करें, वॉचमैन से पूछते। सुनो जरा, ये जो पोस्टर लगा हुआ है, क्या आपको डर है? किसने लगाया? पता नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। तुम सिक्योरिटी में हो ना, पता कैसे नहीं? न जाने कौन कब कैसे लगा गया, मुझे पता ही नहीं चला। चल ठीक है, अभिजीत एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करो और पता लगाओ ये नंबर है किसका और इसका एड्रेस क्या है। सर, श्री अशोक एक डॉक्टर है सर, मैं उसके घर पे गया था। हाँ। उसकी बीवी मिली, उसने बहुत बार फोन भी किया सर, मगर इस डॉक्टर अशोक ने फोन उठाया नहीं। चुप गया होगा। हाँ सर, सर शायद इसी हॉस्पिटल से पता चले कहाँ कहाँ जाया करता था, यहीं पे काम करता है सर वो। एक मिनट सर सुनो, ये हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? हाँ, डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा? हाँ। कहाँ है वो? चलो दिखाता हूँ। सर, ये डॉक्टर मनीषा जी। कहिए। मैं इसे भी प्रतिबंध सीआईडी से, हम जरा डॉक्टर अशोक के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। है वो यहाँ पर? सर, वो तो अपने घर पे होंगे। घर पे? हम लोग घर गए थे, वहाँ पता चला कि यहाँ पर है वो। लेकिन सर, वो यहाँ पे कैसे रहेंगे? यहाँ पे तो काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। काम करना छोड़ दिया कब से? 3 महीने पहले सर। 3 महीने पहले? मगर उनकी बीवी ने बताया कि वो यहीं पे काम करते हैं। लेकिन हमने उसे पहले से ही काम से निकाल दिया था। बहुत चालाक आदमी है सर, घर से रोज बीवी से ये बोल के निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मगर जाता कहीं और ही है। अच्छा, क्यों निकाल दिया उसे काम पर से? सर, वो दिमाग का डॉक्टर था और दिमाग के ऊपर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। हमने उसे बहुत बार मना किया लेकिन वो माना नहीं, इसीलिए निकाल दिया। उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करता था दिमाग पर? कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता था वो? लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिलाना और उनके दिमाग से डर भगाना, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं ये डॉक्टर अशोक इस संजय, हिमांशु और रिया को नुकसान न पहुंचा दे। सर, उन्हें पहले ही बोला हुआ है होशियार रहने के लिए, फिर भी एक बार फोन कर लेते हैं। हेलो संजय, कहाँ पे हो तुम? घर पे हो सर। घर पे जी। और कोई साथ में है क्या? नहीं सर, अकेला हूँ।
एक काम करो, घर पे ही रहना और दरवाजा मत खोलना। किसी भी अनजान आदमी को अंदर मत आने देना, ओके? कोई खास बात? नहीं नहीं, बस तुम होशियार रहो, मैं बाद में बताता हूँ। हेलो हिमांशु। हाँ हिमांशु, तुम कहाँ हो? ऑफिस में। अच्छा, एक काम करो, ऑफिस से सीधा घर जाना, हाँ? और रास्ते में अगर तुम्हें कोई गलत आदमी दिखाई दे या कोई भी बात हो तो हमें तुरंत फोन करो, ठीक है? ओके। हेलो दिव्या। दिव्या तो नहीं है। क्या दिव्या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। कहाँ गई? वो तो बाहर गई है। बाहर कहाँ गई? आप कौन हो? सर मैं उसकी रूममेट बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, साथ में रहती है, लेकिन वो बाहर कहाँ गई है? कुछ बताया नहीं, कह रही थी डॉक्टर से मिलने जाना है। कौन से डॉक्टर? कुछ बताया नहीं सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर धोखे से डॉक्टर अशोक ने बुलाया होगा उसे, इलाज के बाहर है। हाँ हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा उस डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर अशोक का मोबाइल ट्रैक करो, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता लगाओ उसका मोबाइल कहाँ पर है, वहीं पर होगा ये डॉक्टर अशोक। खाली ये बताओ उसके मोबाइल का लोकेशन कहाँ है। या ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। डॉक्टर अशोक की हिम्मत तो देखो, सीआईडी उसके पीछे पड़ी है फिर भी ये घबरा नहीं रहा है गुनाह करने से। एक बार मिल जाए सर ये डॉक्टर, फिर देखता हूँ कितनी हिम्मत है इसके अंदर। हाँ बोलिए सर। वो यहीं पर है। कहाँ पे? सर वो जलसावाड़ी में। जलसावाड़ी पे? थैंक यू वेरी मच सर, उसका पोस्ट जलसावाड़ी में है। जलसावाड़ी? लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है। विक, तुम्हारे सेलफोन पे GPS है ना, एक्टिवेट करो, देखो पता लगाओ ये मोबाइल फोन कहाँ पर है। जलसावाड़ी। सर सर ये आप मुझे कैसी जगह लेके आए हैं सर? अरे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? सर आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरा ये डर दूर कीजिए। जैसे ही मैं किसी बंद जगह जाती हूँ तो मुझे डर सा लगता है सर। एक बार तुम्हारे ट्रीटमेंट हो जाएगी ना, तुम्हारा सारा डर दूर हो जाएगा। सर एक्चुअली इस वजह से मैं किसी लिफ्ट में भी नहीं घुस सकती सर। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। सर आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी सर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मैं किसी के काम आऊँ या मेरे हाथों कोई मरीज ठीक होता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। कितने इलाज कराए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये बीमारी है कि जाती ही नहीं। अब सही वक्त आ गया है, मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ जिसके बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। आओ तुम्हें बताता हूँ वो स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या। आओ ये क्या है सर? अरे यही तो है वो जिससे तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। मगर कैसे सर? तुम्हें इसके अंदर बैठना होगा। क्या? इसके अंदर? मैं? हाँ, मुझ पर भरोसा करो, चलो इसके अंदर घुस जाओ। सिग्नल यहीं पे आ रहा है। यहीं पे आ रहा है? यस सर, मोबाइल यहीं कहीं है। चलो सर, मुझे मुझे डर लगता है सर। सर डरने की कोई बात नहीं है ना, बैठो अंदर सर, बैठो बैठो। विवेक स्टाफ भी है ना सर? क्या हुआ विवेक, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर सिग्नल अचानक बंद हो गया। सिग्नल आना बंद हो गया? कहीं सेलफोन स्विच ऑफ तो नहीं किया उसने? हो सकता है सर, लेकिन मोबाइल यहीं कहीं होना चाहिए क्योंकि अभी अभी सिग्नल आना बंद हुआ है ना। तो फिर सब लोग फैल जाओ और ढूंढो ढूंढो अच्छी तरह से। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है सर, प्लीज। Thank you.
सीआईडी? ये लोग कैसे पहुंच गए यहां? मेरा प्लान चौपट करना है। सब लोग यहां आ जाओ सर, कोई की तरफ। आता है सर, मैंने अभी अभी डॉक्टर अशोक को यहां आते हुए देखा, इस कुएं में सर। पक्का वही है? हाँ सर, मैंने उसकी फोटो देखी उसके घर पे, वही है सर। यार अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। अरे वहां जो खाली जगह है, कहीं वहां छुपके तो नहीं बैठा है? वहां पर ना? हाँ सर, हो सकता है। नीचे उतर के जाके देखो। विवेक जल्दी से रस्सी लो ना, यहां संभाल के। यस सर। संभाल के। वो देखो कैसे छिपके बैठा है। ए, चल बारा, देख शराफत से बारा, बिना तकलीफ के चल। नहीं नहीं आऊंगा मैं बारा। तुम लोग पे मतलब मेरे काम में टांग अड़ाने वाले हो? कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। कहाँ बोले थे दिव्या? हाँ बताओ, कोई कुछ नहीं करेगा, कहाँ है वो लड़की दिव्या? हाँ कहाँ है लड़की? उस बैरल के अंदर है। हाँ पैर में? विवेक देखो जरा। चलो विवेक। देखो लड़की जिंदा है क्या? ये तो बेहोश है। बेहोश है? जल्दी ऊपर लाओ उसे। संभल के। संभल के। बस ज्यादा सीरियस नहीं, थोड़ी हवा लगेगी होश आ जाए। अच्छा हम वक्त पे आ गए। गुड डॉक्टर अशोक, बताओ क्यों मारना चाहता था इस मासूम को? हाँ क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मैं उनको मारना कहाँ चाहता था, मैं तो उनका डर दूर कर रहा था। अब ये लोग मर गए, मैं क्या करूं? कैसी बात कर रहा है सर ये? ए, तुझे मालूम है किससे बात कर रहे तू? मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोग डर डर के मरे। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उसके दिमाग का भी मैं इलाज कर देता, उसका भी डर दूर कर देता, लेकिन वो मर गया। भगवान को प्यारा हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। वाह सुना, दो दो खून करने के बाद अब कह रहा है कोई भी ना मरे। मैंने कोई खून नहीं किए, मैं तो इलाज कर रहा था उनका। सर मुझे लगता है डॉक्टर अनंत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बॉस जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं उससे तो लगता है खुद ही किसी सदमे का शिकार है। इसके बेटे की मौत का सदमा हुआ है सर, और क्या? इसके दिमाग का इलाज करना होगा, किसी अच्छे दिमाग के हॉस्पिटल में भर्ती करके। सजा तो इसे ठीक होने के बाद ही मिलेगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।